गलती से भी सेक्स में यह गलती कभी ना करें। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गलती से भी सेक्स में यह गलती ना करें, यह टाइटल मैंने इसलिए चुना है कि काफ़ी लड़के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई नहीं, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तैयारी नहीं होती है, उसको इच्छा ही नहीं होती है। या काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं नवविवाहित, बोलते कि हमारी अभी भी शादी हुई है और वो तैयारी नहीं होती है सेक्स करने को। या फिर और एक आगे थोड़ा जाके 40-45 साल के पुरुष आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरी पत्नी तैयार नहीं है, या वो ना बोलती रहती है, उसको इच्छा ही नहीं है। तो यह गलती ना करना कौन सी, कि जब वो तैयार नहीं है तो सेक्स नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, तो फिर उसका कारण ढूंढना है कि वो ना क्यों बोलती है। और वो कारण यदि दूर कर दिया तो डेफिनेटली वहां बोलेंगे और आप सेक्स में एंजॉय कर सकेंगे। तो हमको ये देखना है कि भाई कामेच्छा क्यों कम है स्त्री में या लड़की में, या जो भी आपके पार्टनर, उसमें इच्छा क्यों नहीं होती है। जब इच्छा होती नहीं, इच्छा तो दोनों भी नहीं होती है। मतलब हो सकती है कि दोनों भी इच्छा नहीं है, एक तो पुरुष में भी नहीं है, स्त्री में भी नहीं है। अभी हम बात करने वाले कि स्त्री में इच्छा क्यों कम है, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्स की इच्छा कम होना। सेक्स की इच्छा कम होना, उसका कारण क्या है वो हम देखने वाले हैं। और वो इच्छा कम है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो डेफिनेटली सेक्स नहीं करना चाहिए। एक तो क्या है कि स्त्रियों में, लड़कियों में हार्मोन्स रहते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, पुरुष में रहता है टेस्टोस्टेरॉन। अब ये हार्मोन्स की कमी है तो डेफिनेटली उनकी इच्छा कम होगी। तो ये टेस्ट करना जरूरी है कि भाई स्त्रियों में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है क्या, और उसकी वजह से वो ना बोलती है क्या। तो वो मूल हमारा कारण निकल जाएगा, उसका इलाज करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। दूसरा यह है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव लड़कियों में रहता है, स्पेशली नवविवाहित है, नए घर में आई हुई है, सब ज्वाइंट फैमिली है, उसमें प्रेशर ज़्यादा है, काम का प्रेशर रहता है, और सेक्स के बारे में बातचीत नहीं करना, अपने हस्बैंड को सिर्फ एक ही बार रात को मिलती है, वो दिन में मिलती भी नहीं है, तो इसमें फिर उसकी इच्छा कम हो जाती है। दिन भर का टेंशन, दिन भर का काम करना, खेत में जाना, वहाँ काम करना, और फिर डेफिनेटली थक के घर में वापस आना, और फिर इच्छा ना होना। फिर यदि हस्बैंड तंबाकू लेता है, टोबैको स्मोकिंग करता है या शराब लेता है, तो औरत की इच्छा कम हो सकती है, कि उसको बास कुछ कुछ लड़कियों को अच्छा लगता नहीं है, और फिर वो सेक्स के लिए ना बोलती है। तो वो भी एक कारण हमें देखना चाहिए कि भाई वो ना क्यों बोलती है, और उसके लिए वो अच्छा लगता नहीं है, डेफिनेटली तो नहीं करना चाहिए। फिर सेक्स में इच्छा नहीं होने का और एक कारण, क्योंकि कभी उसने सेक्स एंजॉय नहीं किया, वो चरम सीमा पे पहुंची नहीं है, उसको कभी ऑर्गेज्म ही नहीं आया हुआ है, तो भी देखना जरूरी है, उसको पूछना जरूरी है कि भाई क्या आपको बहुत एंजॉयमेंट आ गई, बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए फोरप्ले करना, क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन करना, योनिलिंग को स्टिमुलेट करना, फिंगरिंग करना, और उसको कामोत्तेजना देना, या वो लेवल पे लेके जाना, ऑर्गेज्म पे लेके जाना, ये भी काम होता है। वो यदि जाती नहीं है तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं जा रही है, क्या स्टिमुलेशन कम पड़ रहा है, क्या फोरप्ले कम हो रहा है, और फिर वो यदि होता है तो डेफिनेटली वो हाँ बोलेंगी। नेक्स्ट होता है कि मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स बंद हो जाना। वो जो पीरियड है वो 40 से लेके 50 तक उम्र जो है वो उसमें होता है। अब मेनोपॉज जब होता है कि जब MC या साइकिल जो है, पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, तब उसकी इच्छा कम हो जाती है। अब उसमें होता क्या है कि हार्मोन्स के लेवल कम हो जाती है। अब हार्मोन लेवल कम है तो डेफिनेटली उसकी इच्छा कम हो जाती है। तो देखना जरूरी है कि हार्मोन लेवल कम है तो हार्मोनल लेवल बढ़ाओ। और दूसरा, ये जो पीरियड है 40 से 50 तक का उम्र का पीरियड, तो इसमें वजाना जो है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स बंद हो रहे हैं, मंथली साइकिल जो है वो बंद हो रही है, वजाना ड्राई हो रहा है। और जब वजाना ड्राई होता है तो फोर्सफुली यदि इंसर्शन करने की कोशिश किया तो फिर उसको दर्द होता है। तो डेफिनेटली लुब्स का वापर करना जरूरी है, वजाना लुब्रिकेटिंग जेली का वापर करते हैं तो डेफिनेटली एंजॉयमेंट भी बढ़ जाता है और इंसर्शन भी बिना दर्द का होता है। तो ये जो हॉर्मोन्स है या लुब्रिकेटिंग जेली है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा प्ले स्टोर के ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ आप हमारा कंसल्टेशन भी कर लेंगे। और आप हमारा डाउनलोड करते लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और एक बार होता है कि शादी के तुरंत बाद, क्या होता है कि शादी के तुरंत बाद यदि पहले कभी सेक्स का अनुभव नहीं हुआ, होता क्या है कि डर बहुत है, एंग्जाइटी है, बहुत ही इलिटरेसी है, उसके बारे में कभी मालूम ही नहीं है। और यदि हस्बैंड पहली रात में यदि फोर्सफुली इंसर्ट करने की कोशिश करेगा
तो पहली रात में होता क्या है कि डर है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो लुब्रिकेशन होता नहीं है, गिलापन नहीं होता है। और उसमें यदि फोर्सफुली यदि वो पेनेट्रेट करने की कोशिश किया, वो क्या करती है कि वो नीचे वाला जो पोर्शन है, पेल्विस मसल जो है, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी तो पेनिस को अंदर जाने में और तकलीफ हो जाएगी और फिर पेनफुल हो जाएगा और फिर उसको एकदम दहशत हो जाएंगी कि बाप रे ये क्या है, पता नहीं है, क्योंकि दर्द हो रहा है महसूस और फोर्सफुली एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है हस्बैंड, इसको एंजॉयमेंट बिल्कुल ही नहीं है। और वो फिर उसको एक बहुत ही नाइटमेयर जैसा होता है कि बहुत कुछ तो भी खतरनाक कार्यक्रम है और ये नहीं करना चाहिए, और फिर वो ना बोलती है। तो भी देखना जरूरी है कि वो ना क्यों बोलती है, उसको डर बैठा हुआ है, फोर्सफुल इंसर्शन किया हुआ है और वहां से प्रॉब्लम उसको आ गया है। दूसरा और एक कारण है कि सेक्सुअल अब्यूज, यदि उसको बचपन में सेक्सुअली अब्यूज किसने किया है, लैंगिक अत्याचार किया है, तो उसके मन में सेक्स के बारे में बहुत ही डर बैठा हुआ है और वो सेक्स करना ही नहीं चाहती। सेक्स के बारे में, सेक्स मतलब कुछ तो भी भयंकर है, और उसके बारे में उसको घिन आई हुई है या उसकी इच्छा वहां से कम हो चुकी है, तो भी देखना हो गया। और उसका काउंसिलिंग करना फिर ऐसे समय बहुत जरूरी होता है। काउंसिलिंग के लिए भी आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके हमारी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको काउंसिलिंग के बारे में डिटेल जानकारी हम दे देंगे, वहां से आपको दवाई भी मिल सकती है। बाय द वे, सेक्स में दर्द होने का और एक कारण आपको देखना होगा कि नहीं क्यों बोलती है, तो एक कारण यह है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, वजाइनल इन्फेक्शन है, वहां सूजन आ चुकी है और फिर वहां एक लाली आ गई है, सूजन आई हुई है और फिर उसको सेक्स के समय बहुत दर्द होता है। और तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, सेक्स में दर्द क्यों हो रहा है, सूजन आई हुई है, तो वो तरह की मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। और मेडिसिन लेके सूजन निकाल देते हैं तो आपको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो वो लेडी डेफिनेटली सेक्स के लिए हाँ बोलेंगी। और एक कारण हमको देखना होगा कि दवाइयाँ जो है, गर्भ निरोधक गोलियाँ यदि बहुत ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो उससे भी इच्छा कम होती है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो मानसिक बीमारियों के लिए दिया जाती है तो उससे भी सेक्स की इच्छा कम होती है, और कुछ मानसिक बीमारियों से भी सेक्स की इच्छा कम होती है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो देखना जरूरी है कि भाई नहीं क्यों बोलती है, यदि उसको डिप्रेशन है क्या, एंग्जाइटी है, उसको बहुत घबराहट हो जाती है सेक्स बोले तो वो देखना जरूरी है। और यदि उसका निराकरण आप करते हैं, उसके सोर्स पे जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेक्स एंजॉयबल हो जाएगा, दोनों सेक्स एंजॉय करेंगे। तो गलती से भी सेक्स में यह गलती नहीं करना है, कौन सी, कि फोर्सफुली सेक्स नहीं करना है। यदि सेक्स की इच्छा कम है, लेस ऑफ लिबिडो है, लैक ऑफ लिबिडो है, तो उसका निराकरण करना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर काम में आएगा उसका सोर्स जानने के लिए, और सोर्स में जाके आप इलाज करते हैं तो आपका सेक्स लाइफ जो है वो अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।